आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। साढ़े तीन के करीब एक हमारा एम्प्लॉय जो है एक बंदे को लेके आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लास्ट इंजरी हुआ है। तो उसी वक्त मैंने हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को मुस्तफ़ा को कॉल किया था, 3:30 के करीब, 3:34 पे। तो वो कहीं पे था, तो वहाँ से उसको तकरीबन 10 मिनट लगा है स्पॉट पे पहुँचने के लिए। तो इसके बाद पहला जो हमने रिसीव किया है पेशेंट, तो वो एक प्राइवेट गाड़ी में था, उसको हम रिसीव किया, वो स्टेबल था। इसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी जो है 108 जो है वो लेके आई है, और तीसरा जो है वो तीसरा कोई प्राइवेट एम्बुलेंस में था। तो पहला वाला पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, दूसरा जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, और वो तीसरा जो है वो ब्रॉड डेड था। तो यही हुआ है जी वाकया। तो जनरली सर, जिस तरह से एलिगेशंस सामने आए कि यहाँ पे एम्बुलेंस तैयार नहीं था और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, क्या ये सही नहीं है? जी मैं बताता हूँ, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल। जब कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई हादसा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक को परेशानी होती है। किसी का कोई नज़दीकी रिश्तेदार, किसी का कोई अजीज व अकारब जख्मी हो गया होता है या मर गया होता है, तो दुनिया परेशानी में होती है। लोग दौड़ते हैं वो जगह की तरफ और फिर हॉस्पिटल लेके आते हैं, और सबकी ये कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल में उनको जल्दी से जल्दी सर्विस मिले। ये उनका हक है लोगों का। और लेकिन इन सब के बावजूद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये अलग चीज़ है। एक नॉर्मल पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लेके निकल जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, एडमिट हो जाता है, उसका वो अलग एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी है इमरजेंसी या डिज़ास्टर, जिसमें आपको मल्टीपल, जैसे 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 12 लोग आते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है बेशक। इसमें लोगों का भी एक बहुत बड़ा एक रोल बनता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अगर एक दूसरे की मदद करने लगे उस सिचुएशन में, क्योंकि हर एक परेशानी में, मेरा डॉक्टर भी परेशान होता है, मेरा नर्स भी परेशान रहता है, मेरा स्टाफ भी परेशान रहता है, हक्का बक्का 50-100 लोग कुछ लोगों को लेके आ रहे हैं, शोर शराबा है, तो सब का परेशानी सबको लाहा होती है थोड़ी बहुत। लेकिन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि एक तो गलत बात ना करें, अफवाह ना फैला किसी। जैसे आज कहा गया LG, ऑनरेबल LG साहब का लकीली आजकल वो टूर पे था कारगिल, तो वो भी यहाँ तशरीफ लाए थे और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जमा हो गया। DC साहब, SP साहब, एडिशनल SP साहब, EC साहब, CC साहब, ऑनरेबल LG खुद बजाते खुद यहाँ पर यही सुनकर तशरीफ लाए, नहीं तो अदरवाइज उनका कोई प्रोग्राम था नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे का टांग खींचे। इवन हॉस्पिटल में भी बेशक बहुत सारी कमियां हो सकती, मैं नहीं कहता कि हम लोग 100% सही हैं अपनी जगह, मैं भी हो सकता है हम लोगों से भी कुछ थोड़ा बहुत ताखिर किसी चीज़ में होता होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन में सब लोग बैठे होते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सब लोग कोशिश करते हैं फिर एक दूसरे को ढूंढने की, क्योंकि उतना स्टाफ हॉस्पिटल में आज संडे का दिन था। एक रोस्टर बनती है और रोस्टर के हिसाब से ही स्टाफ होता है, सारे को जमा करके तो हम रखते नहीं और रख पाते भी नहीं। हॉस्पिटल का भी एक सिस्टम है, एक रोस्टर सिस्टम है, कौन ड्यूटी पर रहेगा, कौन नाइट पर रहेगा, कितना वेट पर रहेगा, ड्राइवर कितना रहेगा, और स्टैंड बाय में ड्राइवर होते हैं। अब बाहर से हमको किसी ड्राइवर को या एम्बुलेंस को एडिशनल अगर बुलाना हो, तो उसमें मैं भी हो सकता है 4-5 मिनट 10 मिनट टाइम लगे, उतना तो सबको सोच समझ के चलना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे किसी ने ऑनरेबल LG साहब के सामने बोला कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस था ही, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ड्राइवर यहाँ पे खड़ा है और एक ड्राइवर ने साथ पेशेंट को लेके भी आया एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस हमारी खाली आ गई क्योंकि और कोई इंजर्ड वहाँ था नहीं, और एक शायद एक प्राइवेट गाड़ी में आ गया, क्योंकि किसी जगह कहीं कुछ हादसा हो गया तो वहाँ पर कोई गाड़ी पहुँच जाती है या प्राइवेट पहुँचता है पहले, हो सकता है एम्बुलेंस से पहले पहुँच बाकिया का एम्बुलेंस पहुँच गया, हो सकता है वो लोग कहीं अलरजा का भी एम्बुलेंस वहाँ दौड़ा, हो सकता है वो लोग हमसे ज़्यादा किसी नज़दीक जगह में किसी जगह तैयार बैठा हो और वो पहुँच चुका हो हमसे 2-4 मिनट पहले जा। तो हमारे अभी ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 क्रिटिकल एम्बुलेंस है, 2 ऐसी लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंसेज हैं, 2 CMO साहब के पास हैं जो हमेशा हमारे डिस्पोजल पर रहता है, एक फ़ोन कॉल की दूरी पे होती है। जो ही प्रॉब्लम होती है हम CMO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें एम्बुलेंस कम पड़ रहा है, आप अपना भी दे दो, तोड़ के वो एम्बुलेंस भी हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है वो 4 इको गाड़ियाँ हमारे पास हैं, तो सब होती है। हाँ हो सकता है इंसान है बादशाह, सब कोई हो सकता है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई किसी जगह
ड्राइवर या कोई भी ड्यूटी वाला, तो दो चार मिनट, पाँच छः मिनट का आगे पीछे या दस मिनट तक का वक्फा उसमें निकल जाता है। रिएक्शन टाइम उतना तो लगता ही है हर हालत में। अब ऐसा नहीं कि रिमोट का बटन दबे और ड्राइवर सीधा इधर खड़ा हो और एम्बुलेंस खड़ा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी भी सेटअप में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना ताखिर उतना देर हमारे हिसाब से तो आज नहीं हुआ है। उसके अलावा जो और हम लोगों ने हर जगह फ़ोन हुआ है, एनेस्थेटिस्ट को तैयार करा है, थिएटर स्टाफ को तैयार करा है, नीचे सीटी वालों को लगा, वहाँ सीटी मशीन स्टार्ट करवाया, क्योंकि 15-20 मिनट वो स्टार्टिंग पे रखना पड़ता है, इसके बाद केस लगते हैं। वो सारा रेडी करके हमने सिटी में उसी वक्त देश को सिटी से वापस आके अल्लाह की फजल से बेचारा एक का ऑपरेट हो गया और वो अब स्टेबल है बिल्कुल, इंशाल्लाह बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। दूसरा छोटा सा बच्चा वो जख्मी था वो भी बहुत स्टेबल है। अब जो ऑन स्पॉट डेथ हो गया उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सर इस बीच एक और एलिगेशन लग रहा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है, तो इतने वैकेंसीज खाली रखा है, तो इस पर आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया है या इस वैकेंसी को कब तक पूरा करें? इसमें मैं बोलता हूँ, पहले तो आप डिफिशेंसी की बात करें, सीएमओ साहब भी बोलेंगे बात में। डिफिशेंसी का तो ऐसा है कि डॉक्टरों की हर जगह किल्लत है। पहले जे एंड के में हम लोग थे तभी डॉक्टर की कमी रहती थी हमेशा, क्योंकि डॉक्टर आते नहीं थे। और आजकल हमारे भी जो जितने भी लोकल डॉक्टर बन हमारी तरह तो अब है नहीं, हम लोग MBBS करके घर वापस भागे, भागते हुए आए और आज भी यहीं पर है। आज बच्चे आगे जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उससे भी ऊपर सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं बच्चे, तो ठीक है उनका अपना कैरियर है और वो भी ताकि उनका अच्छा एक ज़माने में जाके शायद बहुत अच्छा सर्विस मिले। लेकिन फिलहाल जो है जो ट्रांजिट पीरियड है अभी बनने के प्रोसेस में जो है, और इस दौरान हो सकता है हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो ऐसे नहीं। हाँ, स्टाफ की शॉर्टेज है। जैसे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट ने बाहर भी बोला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 21 मेडिकल ऑफिसर का, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर जो परमानेंट मुलाजिम, 21 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, उसमें से 15 पोस्ट खाली है और सिर्फ 6 रेगुलर मेडिकल ऑफिसर मेरे पास है, जिसमें कुछ 2-3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी हैं, मेडिकल ऑफिसर में ही वो स्पेशलिस्ट भी हैं। तो बाकी अल्लाह की फजल से NHM आ गया, तो NHM ने हमको बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, ऑगमेंट किया NHM ने। अब NHM में 10 सेंक्शन पोस्ट है मेरे ख्याल से, 10 के 10 मेरे पास है और उसी से हॉस्पिटल चल रहा है। अदरवाइज 6 से तो बहुत चलना मुश्किल हो जाए, कितना डॉक्टर नाइट देगा, कितना ढेर पे देगा, क्योंकि हमारा जो नौकरी है वो 24 घंटे का है, हम लोगों 10 से 4 वाले लोग के हैं। हमारा जैसे आप देख रहे हैं अभी रात के 9, 9:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल में हैं, रात के 12, 1 बजे भी हमारे डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं, हमारा स्टाफ लेने जाता है। तो उस टाइप का एक इमरजेंसी सिचुएशन है यहाँ पे और उस सेटअप में हम लोग काम करते हैं। तो उस लिहाज से अगर हमारे पास सफिशेंट ऑफिसर्स हों, मे भी हम लोग 2-3 दिन डॉक्टर को नाइट पर रख सके, 3 दिन ड्राइवर को नाइट पर रख सके, एम्बुलेंस 3 दिन को स्टैंड बाय में रख सके, उस सिचुएशन में एट प्रेजेंट हम लोग अभी फिलहाल नहीं है। मैं गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, यूटी गवर्नमेंट जब से आया तब से NHM में तो वो बार बिल्कुल हर आए दिन रिक्रूट कर रहा है, डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, मगर डॉक्टर्स की भी अपनी प्रॉब्लम है, किसी का PG हो जाता है, किसी का नीट क्लियर हो जाता है, तो वो फिर हायर स्टडीज के लिए वापस भी निकल जाता है। परमानेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात, तो परमानेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बेशक ज़रूरत है। और ड्राइवर्स का भी यही हाल, हमारे कुछ बेचारे ड्राइवर्स तो पिछले 10-12 साल से 3,000 पे काम कर रहे हैं, 3,000 में तो आज मुझे नहीं लगता कि 10 दिन भी निकलता होगा किसी का राशन। लेकिन फिर भी ये उनकी उनका कमाल है, ये 3,000 भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहाँ से दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का यहाँ का रिक्रूटमेंट था, न JNK गवर्नमेंट का था, न UT गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट के खाते में है ही नहीं। लोकली कारगिल में कुछ MPLD में एम्बुलेंसेस आ गया, उनको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी उन दिनों में, तो इनको 3,000 रुपये पे कंसोलिडेटेड पे इनको अपॉइंट किया था, एक कंट्रेक्चुअल, वो परमानेंट भी नहीं ऐसे ही। तो अब 3,000 रुपये क्या गुजारना चाहता हूँ, बाहर फिर भी दिन रात ये 3,000 रुपये काम तो कर रहे हैं। मेरे पास परमानेंट सिर्फ 2 ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, जो परमानेंट ड्राइवर हैं। पोस्ट तो कितने होंगे हमारे पास हॉस्पिटल में, उतने पोस्ट भी तो अभी क्रिएशन भी नहीं है ज़्यादा, 4 पोस्ट होंगे, 3 पोस्ट है हमारे। जनरल स्टेटस को लेकर सर, अवल तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज जो बच्चा फोत हुआ उनके लाहौर टीम को वालदेन को हमारे तरफ से ताज़ियत है। तो और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने जो कहना था उससे ज़्यादा ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि यहाँ का स्टेटस क्या है। तो ओवरऑल डॉक्टर की शॉर्टेज तो पहले भी थी जब JNK गवर्नमेंट थी, बेसिकली वो लोग इस पोस्ट को फिलअप करना चाहते हैं, मगर आने वाला भी तो नहीं है। इवन हमारे जो इंडिजिनियस जितने भी यहाँ से
एमबीबीएस के लिए चले गए, वो लोग डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि पहले पीजी कर लेते हैं फिर सुपर स्पेशलिटी के लिए जाते हैं, बीच में एनएचएम में यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी की जब ये सीट निकल जाता है ये छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं दाद देता हूँ कि मेरे जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो काम करते हैं ओवरलोडेड है, कभी उफ नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की कुछ सुनने को मिलता तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। और साथ में जहाँ तक इसका ये कह रहा है कि जैसे कि एम्बुलेंसेस के बारे में, बिल्कुल गलत कहा सर, और वो भी ऑनरेबल एलजी साहब के सामने इस तरह कहा कि हमारे पास यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, सवाल ही नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब ने पूरा वो दिया कि हमारे पास सीएमओ ऑफिस को और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 4 ALS है, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट हमारे एम्बुलेंसेस है, और उसके अलावा हमारे पास BLS हमारे पास 4 है, उसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेस है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। लास्ट पिछले हफ्ते ही यहाँ से एक इमरजेंसी पेशेंट को हमको शिफ्ट करना पड़ा, सीएमओ ऑफिस के जो एम्बुलेंसेस थे उस क्रिटिकल एम्बुलेंस में हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहाँ यहाँ से वहाँ पे श्रीनगर तक हमने शिफ्ट किया। तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने इस कलील रिसोर्स में बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंसान है, कभी कहीं भूल चूक हो जाता होगा, और हम कोशिश करते हैं वो भी ना हो, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। एक सेकंड, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी है ना जरा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और ज़िंदगी ले दे सकता है। तो कोशिश करते हैं कि वो भी ना हो, और रेगुलर टाइम पे हम अपने स्टाफ को मीटिंग्स में बुला के उनको फिर से रीओरियंट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अलबत्ता बाकी जो स्टाफ है, डॉक्टर्स की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, पैरामेडिकल स्टाफ को मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत हद तक जब से NHM आया वो काफ़ी वो हो गया, संतुलन हो चुका है। डॉक्टर्स की कमी है, मगर जब से NHM आया UT गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की कि हर वैकेंसीज को, नहीं तो आप यही समझ सकते हैं कि अभी NTPHC जो पहले एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हुआ करता था वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हुआ करता था, अभी वहाँ तक डॉक्टर्स तयन किया जा रहा है। रिसेंटली 2 लिस्ट और निकला है, तो उनमें भी डॉक्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्त वही है कि जब PG आ जाता है, PG सीट निकल जाता है, फिर वो अपना करियर बनाने के लिए वो सीट छोड़ के चला जाता है, इस बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। फिर भी जो ये गैप में हो जाता है, फिर अगेन हम मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जो MD साहब हैं NHM के, या हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हम रिक्वजिशन भेजते हैं, रिक्वायरमेंट भेजते हैं। तो फिर रिसेंटली तकरीबन यूँ मान लीजिए कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये रिप्लेस होते रहता है, जहाँ जहाँ पे भी खाली होता है। तो एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं है सर, उसके अलावा 108 हमारा चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और रिसेंटली एक हमारा एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर पवन कोतवाल साहब ने हमें स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि और भी हमारे पास अगर ये एम्बुलेंसेस हो तो उसको 108 के अम्ब्रेले में लाया जाए, ताकि यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्विसेज मिले। तो कोशिश वही हो रहा है कि जितने भी चाहे डायग्नोस्टिक हो, चाहे एम्बुलेंसेस सर्विसेज हो, और बाकी सर्विसेज हो, मेडिसिन हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। और बहुत हद तक मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो छोड़िए, बाकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल तक जितने भी दवाइयाँ होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में कितने एम्बुलेंसेस तैयार रहते हैं? हाँ, वो सर सीएमओ ऑफिस में 3 एम्बुलेंसेस हमारा रेडी रहता है, उसमें ऐसा नहीं कि दिन रात कभी भी आप फ़ोन करें। हालांकि उस चीज़ को मैं खुद कोऑर्डिनेट करता हूँ, मैं समझता हूँ कि कहीं पे इस चीज़ की कोई वो ना लैकुना ना रहे या डिले ना हो, इसलिए रात को भी कभी फ़ोन आता हूँ मैं उठा के, फिर अपने ड्राइवर्स को करके भेज देता हूँ। फिर बाकी मैं एक ही जी सिर्फ इतना है कि ड्राइवर को घर से बुलाना पड़ता है, अब सारे को हम अस्पताल में खड़ा तो रख नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस सारे रेडी हैं, ड्राइवर भी अपनी अपनी जगह बैठे हैं, बस इतना टाइम तो लगता है कि उनको एक्स्ट्रा अगर एम्बुलेंस कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ड्राइवर को कॉल करना है घर पे और वहाँ से उनको उठाना है।
उसके अलावा 108 भी होता है, 108 को 108 पे भी आप कोई भी कॉल कर सकता है, वो कहीं से भी आ जाता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। और ऑन स्पॉट में ही 4 एम्बुलेंस जो हमारा क्रिटिकल एम्बुलेंस था वो भी पहुंचा हुआ था। इसके अलावा जो है 108 भी वहाँ से पेशेंट को लिफ्ट किया है, और इसके अलावा बद्रिया का एक एम्बुलेंस और अलरेजा का भी एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद था। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं था, प्रोवाइड नहीं किया गया, ये बात अलग है। तो सर जो अभी इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनको किस तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और स्टेटस क्या है? तो अभी मैंने रिसेंटली अभी कुछ देर पहले मेरे हमारे जो ट्रीटिंग सर्जन जो है डॉक्टर सजाद साहब से उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाला जो पेशेंट है वो तो बिल्कुल स्टेबल है, तो एक को गढ़ इंजरी थी तो उनको सर्जरी किया गया है, अभी स्टेबल है इंशाल्लाह रहमान, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है उसका, तो इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। बिल्कुल इतना जल्दी ट्रीटमेंट आपको शौरा में नहीं मिलता, मैं खुद देखे, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे बहुत सारे, इवन मैं अनकॉन्शियस पेशेंट लेके गया, 2 घंटे तो मुझे लगा उस पेशेंट को देखने के लिए, इतना कैजुअलिटी में उनका रश रहता है, किसी दोस्त को ढूंढने गया वार्ड में जाके, कोई डॉक्टर को ढूंढ के ला के फिर 2 घंटे में मेरा पेशेंट अटेंड होता है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इवन अब रोस्टर कुछ नहीं रहता है, फिर इमरजेंसी में जिसको भी कॉल करो दौड़ा हुआ चला आता है। ये जैसे डॉक्टर सज्जाद सर्जन था, डॉक्टर अनवर था, डॉक्टर सज्जाद का कोई ड्यूटी नहीं था, आज कोई कॉल नहीं था, हमने कॉल किया आउट ऑफ रोस्टर, हमने कॉल किया नहीं आ जाओ, फटाफट आया, यहाँ पे आया, वो खुद पेशेंट के साथ सिटी तक भी चला गया, वहाँ से लेके फिर यहाँ के ऑपरेट करके अभी इंशाल्लाह पेशेंट बिल्कुल स्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस सिलसिले में ऑनरेबल एलजी साहब खुद भी बहुत पर्टिकुलर है, रिसेंटली में मुझे लेह बुला के ले गया था, उन्होंने फिर उसी मीटिंग में ही हमें यही बताया गया था कि नया MRI और नया CT दोनों वो हो रहा है। तो अभी HLL के थ्रू मैंने अभी हमारे जो UT के डायरेक्टर साहब हमारे LK उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उसका मतलब HLL से बात हो चुका है, फाइल मूव हो गया है, बहुत जल्दी इसका ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा। इवन ऑनरेबल एलजी साहब आज भी यहाँ आए थे, उन्होंने आज भी यहाँ बोला आप में से कोई जाके लेके आ जाओ, मतलब इतना जल्दी है उसको, उसने बोला मैं बात करूँगा, जहाँ जिस लेवल पर आपको बात करना हो MRI और CT को जल्दी लाने के लिए, उस लेवल पे मैं खुद बात करूंगा, सिर्फ ले आओ जल्दी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दे रहा है अभी, मैं सेंक्शन दूंगा अभी करूंगा। जी सर शाम को हमारे साथ यहाँ कुछ 10 मिनट थे, उसमें बता रहे थे आप 2-4 दिन में ले आओ अगर पॉसिबल है, मगर बड़ी हाई एंड मशीन है, इतना फॉरन से मंगवाना पड़ता है, थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है, अदरवाइज गवर्नमेंट बिल्कुल यूटी गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है लाने के लिए। सर क्रूशियल मशीन जब खराब हो जाता है तो इसलिए सुनने को मिलता है कि जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पार्ट्स को पहुंचाने में बहुत डिले किया जाता है। इसमें ऐसा हुआ सर, रिसेंटली हमारे CT का भी मसला हो गया, वो बड़ा हाईलाइट हो गया था फिर मसला। पहले तो हम लोग जो कंपनी जिस कंपनी से हम लोग मशीन परचेज करके लाते थे उस कंपनी को लिखते थे, जो ही मशीन में एरर आती थी अगर ख़राब हो जाता था तो हम उनको लेटर लिखते थे, उनको कॉल करते थे कि इंजीनियर को भेज दो ठीक करें। लेकिन जब UT गवर्नमेंट, अब पूरे UT लद्दाख में अभी मशीनरी और इक्विपमेंट का जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग है वो एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है MediCity का, तो आज और वो बहुत ईजी बनाए प्रोसीजर को, MediCity वाले खुद आके सारे मशीन को टैग करते हैं, वो अपना एक नंबर लगाते हैं ME नंबर, सारे मशीन को टैग करके चले जाते हैं, जो ही मशीन और एक टोल फ्री नंबर MediCity वालों ने हमको दे के रखा है, और हमने हर सेक्शन को नंबर दिया हुआ है, जिस सेक्शन में भी मशीन ख़राब हो गया चाहे वो CT हो, एक्सरे हो, वेंटिलेटर हो या कोई मॉनिटर हो, एनेस्थीसिया का कोई मशीन हो, ऑपरेशन का कोई टेबल हो वगैरह कुछ भी हो, उस पर उस टेबल पर नंबर लगा हुआ है सिर्फ उस इंचार्ज को, उस सेक्शन के खाली एक फ़ोन कॉल करना है उस टोल फ्री नंबर पर और बोलना हमारे मशीन में एरर आ गया और ये ME नंबर है, दो बातें बोलनी है, और उसका उस फिर एजेंसी का ये जिम्मेवारी बंद, वो रिस्पॉन्सिबल है विद इन ए वीक आके ठीक करे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिले होने का एक रीजन ये सब है अब, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स जो है हाँ वो मंगवाना, स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो फिर वहाँ से मंगवाना, फिर कस्टम क्लियरेंस, फिर जाके यहाँ पे आके, क्योंकि मशीन तोशिबा जापान का होता है, कई जर्मनी का होता है, बाहर का मशीन होता है, तो पार्ट्स अब इंडियन मार्केट में या इंडियन उनके स्टोर में सर उनके उसमें आमतौर पर ये चीज़ें अवेलेबल, जैसे हमारा CT अब 12 साल पुराना हो गया तो
तो ऐसे मशीनों का वो स्टॉक बैकवेस्ट किया और रखते नहीं, इसलिए उनको उस कंपनी से, उस कंट्री से या जापान से मंगवाना पड़ता है। तो नए किस तरह के नए का अभी इन्होंने मेडिसिटी वालों ने हमें ऐसा बोला है कि आप हमें एक रूम अवेलेबल करो आपके हॉस्पिटल में, तो क्रूशल मशीन है जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है या कोई छोटा मोटा मॉनिटर है वॉनिटर है, वो हम सीपीआर रखेंगे स्टैंड बाय में, जब तक आपका वो ख़राब वाला ठीक नहीं होता तब तक वो लगेगा, वो हम इनको रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रूम में कुछ मशीनें, अब बड़ी मशीनें जैसे सीटी स्कैन है उस टाइप की चीज़ें तो रख नहीं सकता। बिल्कुल सारा मशीन चल रहा है, कोई मशीन ऐसा नहीं जो नहीं चल रहा है बैठा हो जिसको ऑपरेटर नहीं है। MRI आएगा, सिर्फ MRI का हो सकता है मे भी भेजना पड़े। सीटी के लिए हमारे पास अभी एक बंदा था, वो बिल्कुल सालों से चला रहा था बेचारा, अभी अब थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई, इसी सीटी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया, वही छूट हो गया था कि कॉल नहीं किया था, नंबर नहीं भेजा था, वही एक चूक हो गया इसकी वजह से। इसके बाद जो दूसरा बंदा अवेलेबल था हमारे पास, अब उसके साथ दो बंदे और लगा दिए हमने, तीन चार सीख के रखे, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई छुट्टी पर चला जाता है, तो कम से कम ऑल्टरनेटिव रहे। अब तो सीटी में मैंने तीन बंदों को अभी रखा हुआ है, तीनों ऑलमोस्ट ट्रेन है। सर सस्पेंड का भी कुछ इशू है, वही बोला ना मैंने, सिटी सेक्शन का इंचार्ज वो था लड़का, ठीक है ना, जो सस्पेंड हो गया, उसने मुझे फ़ोन किया था, बेशक जो ही सिटी में एरर आ गया 22 को 21 को, शायद सिटी में एरर आ रहा है 21 फरवरी शाम को, मैंने ऐसे ही सुना, अभी उसने रिपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही सुना कि सिटी में कुछ एरर आ गया, 22 को उसने मुझे फ़ोन किया था, सर सिटी में एरर आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेडिसिटी को कॉल करो टोल फ्री नंबर पर, उनको नंबर दे दो, वही उससे गलती हो गया, उसने मेडिसिटी को बेशक 23 को फ़ोन किया, उसने इन्फॉर्म किया आपको, मुझे इन्फॉर्म किया पहले, मुझे इन्फॉर्म किया, अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। हाँ, अब अथॉरिटी का ऐसा है, अभी हम लोग लेटर लिखते नहीं है, मैं तो पहले MS ऑफिस से लेटर जाता था कंपनी को और उस इंजीनियर को कि वो आए और रिपेयर करें। अभी मेडिसिटी को कॉन्ट्रैक्ट पे जब से गया है उसमें एक टोल फ्री नंबर और एक टैग नंबर है, वो दोनों उनको इंचार्ज सेक्शन नहीं देना है, मेरे ऑफिस से अब लेटर की ज़रूरत ही नहीं। प्रॉब्लम बेसिकली उसमें आ गया ना, गैप उसमें रह गया हमारा, मैंने तो उनको लिखा नहीं क्योंकि वो प्रोसीजर नहीं था, प्रोसीजर था उसी ऐसे इंचार्ज सेक्शन ने एक फ़ोन कॉल टोल फ्री नंबर पे करना था, किया उसने 23 को, उसके मुताबिक वहाँ से बोला हाँ जी ME नंबर दे दो, ME नंबर, अब इसने बोला ME नंबर मशीन पे था नहीं, अब मशीन का नहीं मशीन का फ्यूमिगेशन होता है, इसकी गलती है, ये तो मान के चलना पड़ेगा, हम किसी के स्टाफ के खिलाफ नहीं है, हमने कुछ एक्शन भी नहीं लिया था अपने लेवल पे एटलीस्ट, हाँ हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर उसकी सिर्फ छोटी सी ये भूल हो गई, जैसे भी हो गया उससे, हाँ क्योंकि आज तक ये सिस्टम था नहीं, उससे पहले एक अकबाल सिंह करके एक इंजीनियर आता था, उसी को कॉल करते थे वही आता था, इस बंदे ने भी वही किया, बेशक उसने अकबाल सिंह को भी कॉल किया कि यार मशीन खराब, क्योंकि वो हमेशा आता है प्रोसीजर के थ्रू, जी हाँ, अब प्रॉपर, अब इसे अब गवर्नमेंट बोलती है तुमने प्रॉपर प्रोसीजर मेडिसिटी के, अब उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है, उनको नंबर नहीं दिया, नहीं देने के बाद चुप रहा, यहाँ बोलता मुझे नंबर नहीं मिला, हफ्ता 10 दिन बाद मैं नीचे, अब सिटी यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है, हम लोग यहाँ रहते हैं अक्सर, नीचे एक दिन मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ, तो उसने बोला वो कॉल किया, हफ्ता हो गया था, हफ्ते के अंदर आना चाहिए था ना इंजीनियर को, हफ्ता हो गया था, उसने मुझे बोला जो कॉल मैंने किया था वहाँ मुझे तो नंबर नहीं मिला, उस बीच में ना मैंने कभी उनसे पूछा ना उसने मुझे, वही एक कम्युनिकेशन गैप रह गया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हमने कंपनी वाले इंजीनियर को बुलाया तब भी, यहाँ से काउंसिल जाके CC साहब मुबारक शाह साहब उनके इंचार्ज थे, CC साहब था नहीं, उसके पास जाके प्रायोरिटी दिलाया उस इंजीनियर को, दिला के उस इंजीनियर ने 4 मारिश को मशीन को एक बार चेक हुआ था ना 4 मारिश को, लेकिन ऑलरेडी मशीन भी तो पूरी तरह से पुराना होकर ख़राब हो चुका, उसमें ट्यूब का ट्यूब ख़राब हो गया था और एक स्टार्टर एक मशीन डब्बा है, इनमें फॉल्ट पूरे मशीन का था, मशीन का फॉल्ट था बिल्कुल सर, नहीं होगा अब तक हो चांस ही नहीं, अब मशीन में अब ये बोल टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, UPS नहीं है, कभी प्रॉब्लम और हीट टेम्परेचर कैसा रहा होगा वो कौन बता सकता है, हम लोग वो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इंजीनियर बताते हैं, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, हीटिंग रखना चाहिए, वो तो रखा हुआ है सब कुछ हमारे अपने हिसाब से, फिर कुछ भी हो मशीन काफ़ी फिर भी पुराना हो गया था 10-12 साल तो शायद वही ट्यूब उसका, अब तो ट्यूब रिप्लेस हो गया, स्टार्टर उसी ऑपरेटर ने उसी मशीन के साथ दिया, बिल्कुल चला है बिल्कुल दिन रात चला है, और इतना अच्छा चला है उस ऑपरेटर ने, नहीं हमें अफसोस है उस ऑपरेटर का, क्योंकि वो 24 घंटा
दिन रात काम करते, बिना रोस्टर के नहीं कर सकता कोई आदमी, दिन में भी आएगा रात चलती है उसको। सस्पेंशन पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जाने से कोई नोट नहीं गया हायर अथॉरिटी को? सीएमओ साहब ने मेरे से रिपोर्ट मांगा, ठीक है ना, जब मशीन खराब हो गया हमें पता भी नहीं कुछ नहीं, हम तो इंजीनियर ढूंढने के चक्कर में लग गए, हम न किसी ऑपरेटर के पीछे गए न किसी, हम तो इंजीनियर के चक्कर में गए। उनको टिकट, उन दिनों टिकट 45,000-70,000 हाई जा रहा था रेट, तो इंजीनियर भी थोड़ा झिझक रहे थे आने से रेट की वजह से, एयर फेयर हाई हो गया था। तो हम लोग उस तब सीएमओ साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया था कि आप मुझे एक रिपोर्ट दे दो कि हुआ क्या बेसिकली। मैंने उसको सारा सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिया, 21st को मशीन में एरर आ गया, 22nd को ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया कि एरर आ गया, रिपोर्ट किया, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने उसमें लिखा है साहब उनको पता है, मैंने बोला ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया था कि मशीन में एरर आ गया। फिर मैंने वापस ऑपरेटर को बोला था कि तुम टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करो, ये सब लिखा है। मगर इसके बाद मैंने वही लिखा कि 4-5 दिन हम उस चक्कर में रहे, 5-6 दिन के बाद पता चलता है कि कॉल हमारा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नंबर ना होने की वजह से, एमई नंबर मशीन पर ना होने की वजह से कॉल हमारा कंप्लेंट मेडिसिटी को रजिस्टर हुआ नहीं, इसलिए मेडिसिटी वालों ने इंजीनियर भेजा नहीं। इन द मीन टाइम हम लोगों ने अपने कंपनी एलविस इंजीनियरिंग करके दिल्ली में उनका इंजीनियर मंगवाया, वो सब मैंने डिटेल में पूरा सीक्वेंस लिखा था, बस वही रिपोर्ट डायरेक्टर को दिया। जो सस्पेंड हुआ उसके फेवर में कोई नोट नहीं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि उसका सर्विस जो है बेहतरीन, उन्होंने सर्विस दिया है। नहीं, ऐसा किसी ने मांगा नहीं, ऐसा किसी ने मांगा भी, अब हमें ये भी पता नहीं कि सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ना सीएमओ साहब ने सस्पेंड किया ना मैंने सस्पेंड किया। तो उसमें सीएमओ साहब ने सीक्वेंस, मेरा जो रिपोर्ट है अब उसमें शायद डायरेक्टर को भी कॉपी किया, तो सब हो गया, तो डायरेक्टर ने उसी पे शायद सस्पेंड किया। जब उसको नंबर नहीं मिला, एमी नंबर नहीं मिला, तो बैलेट बॉक्स पे वो जाके डैशबोर्ड से लेके आ सकता, निकाल सकता था। ठीक है सर, अनड्यू डिले होने की वजह से, अनड्यू डिले की वजह से हो गया बस, अदरवाइज मशीन खराब होने की वजह से नहीं हुआ सस्पेंड, उसमें कोई बात नहीं। डिले की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया, या तो टाइम पे डिले क्यों करा उस वक्त में, क्योंकि पेशेंट को ले भेजना, तो ले में पेशेंट जब पहुंच गया तो ले पता चल गया कि कारगिल से पेशेंट यहाँ क्यों आ रहा है। आखिरी सवाल सर, हॉस्पिटल में सीएमओ साहब जाना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच को कितना बेहतर बनाया है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रिलेशन जो है वो एक बॉन्ड तरीके से नहीं होता है, तो कितना उसमें बेहतरी लाया है? अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तो एमएस साहब बेहतर बता सकते हैं, मगर फिर भी मेरा हमेशा इनको ही डायरेक्शन और एडवाइस रहता है, कभी भी जब मैं यहाँ पे बीच बीच में मैं आते रहता हूँ और फिर मैं अपने स्टाफ से भी इंटरेक्ट करता हूँ और मैं अपने पेशेंट से भी इंटरेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे गैप है, उनको ब्रिज करने की कोशिश करता हूँ, और उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको तरस खाने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट पे, आपको एम्पैथी करने की ज़रूरत है, सिंपैथी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपैथी एक ट्रांजिएंट एक वो है, फीलिंग होता है, एम्पैथी आप अपने आप को, मैं कहता हूँ कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, कोई भी हो, अपने आप को उस पेशेंट के अटेंडेंट के उसमें सिचुएशन में डालो, तब फील करो कि आपको कैसा लगेगा, अगर थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे, तो आप उसी हिसाब से आप उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो, उससे बॉन्डिंग भी बनता है, उनकी ज़रूरतें भी हमें उसका एहसास होता है और उसका इजाला करने में हमें आसानी होती है। साथ साथ में यही चीज़ मैं पैराफ्री में जितने भी मेरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर भी कहता हूँ कि आप एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो, एम्पैथी, और एक इतनी सी बात है सर कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सर्विस है बहुत टफ है, उसकी उजरत देखा जाए तो बिल्कुल वो नहीं है, अगर सेंस ऑफ डेडिकेशन और एम्पैथी अगर उस किसी बंदे में, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की किसी भी एम्प्लॉय की उसमें अगर ये नहीं होगा तो वो एक अच्छा है रासना हेल्थ केयर गिवर नहीं बन सकता है। तो वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हर वक्त, जब भी कोई मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, उनमें हम उन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्दी उसमें काफ़ी सुधार भी आया है, सुधार भी काफ़ी सुधार भी आया है, अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, हम उन पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहें। अल्लाह की फजल, सबसे पहले तो अल्लाह की फजल से हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स खासकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो एज फार विद हमारे जो शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट हो या SMHS में बड़ी बड़ी सर्जरीज भी करते हैं, बड़े बड़े केसेस बिल्कुल डील करते हैं, ठीक करते हैं, और उनका पेशेंट के साथ रिलेशन भी, मुझे तो एज मेडिकल सपोर्ट मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे, मुझे तो कोई कंप्लेंट पेशेंट का नहीं आया, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं आया कि किसी डॉक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की, किसी डॉक्टर ने ठीक तरह से पेशेंट को देखा, मेडिकल स्टाफ किसी का कोई मेरे पास एटलीस्ट कोई कंप्लेंट रिटर्न तो छोड़ो कोई वर्बल कंप्लेंट आज तक मेरे पास नहीं है 2 साल में, और इनका और पेशेंट बाई चॉइस आते हैं, डॉक्टर पर उनको फेद है शायद इसीलिए बाई चॉइस आते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम रहता है कि मेडिकल ऑफिसर एक ओपीडी में बैठते हैं, पेशेंट को बेसिकली आना चाहिए उन्हीं के पास, वहाँ से वो फिर मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन को जाओ सर्जन को जाओ इस तरह स्पेशलिटी को बेच सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ वो भी नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट अपना एक चॉइस होता है, नहीं मुझे फलानी फिजिशियन को दिखाना है, तो वो चॉइस मिल जाता है उसको, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पेशेंट को चॉइस मिलता होगा, तो हमारे हॉस्पिटल में ये चॉइस भी मिलता है, सब मिलते हैं, बाकी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक सर्विस देने हैं, सर्विस लेने हैं, कुछ बीमार भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, अटेंडेंट भी परेशानी नहीं होता है, तो हो सकता है कभी कभार अनबन हो जाता होगा किसी बात पे, डॉक्टर भी मजबूर है उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ता है बीमारी को कि ऐसी बीमारी है वैसी बीमारी है, उससे कोई पेशेंट कोई माइंड कर जाता है, कोई समझ जाता है, तो ये तो डिपेंड करता है उन लोगों की थिंकिंग पर, अदरवाइज मेरी नॉलेज में तो नहीं, बाकी मेरा ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एज RMO है, एक्ट करता है, तो ये इनका ज़्यादातर डीलिंग रहता है, मेरा तो ऑफिस ऑफिस में ज़्यादा टाइम करता है, मैन हॉस्पिटल में सुपरवाइजर और RMO वगैरह हमेशा इंटर रहता है, तो अब इनसे भी थोड़ा जान सकते हैं, सुबह हम राउंड करते हैं तो हम अटेंडेंस से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका और बाकी स्टाफ का रिलेशन कैसा है, क्या वो आपके साथ अच्छी तरह बात करते हैं कि नहीं करते हैं, नेम पूछने का मतलब ही यही होता है कि पेशेंट को नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट उसको ट्रीट नहीं करते, तो हम सुबह राउंड पे उनको पूछते भी हैं अटेंडेंट और बाकी लोगों से कि आपका स्टाफ के साथ, स्टाफ आपके साथ कैसे बिहेव करता है, तो अभी तक कोई शिकायत नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा नहीं है, उसके अलावा सजेशन बॉक्स भी हैं, आप उसमें भी पब्लिक जो है वो अगर डायरेक्टली अगर बात करना ना चाहे या डायरेक्टली हेजिटेट होता हो तो सजेशन बॉक्स में अपना सजेशन लिख के या कंप्लेन लिख के उसको वहाँ पर डाल सकते हैं, और उस सिलसिले में पेशेंट सर्विस क्वालिटी के उस सिलसिले में इस साल हम एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एनकॉश करके, तो उसमें सफाई पे तो होता ही हुआ है, उसके अलावा पेशेंट्स इंटरव्यू लेते हैं, उसमें फिर अटेंडेंट से इंटरव्यू लेते हैं कि देखो फीडबैक लेते हैं कि आपको गेट से आने के बाद, टिकट लेने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कितना टाइम लेता है, फिर आपका फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है वहाँ पे आपको कितना टाइम लेता है, क्या आखिर में जब गेट पे जब वापस जाते हैं वो इंटरव्यू हम लेना शुरू कर रहे हैं, ये इनको कर रहे हैं ताकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे सर्विसेज कैसा चल रहा है हर हॉस्पिटल में, तो इस साल हम ये भी शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।